टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉइड एप्स इन नवंबर 2021। सो हाई गाइस, तो आज के इस वाले वीडियो में बात करने वाले पांच ऐसे कमाल की बेहतरीन एंड्रॉइड एप्स के बारे में जो कि शायद आपको जरूर से यूज करनी चाहिए नवंबर में। तो इन पांच एप्लीकेशन को यूज करके आप किसी भी प्रोडक्टिव को इन्वेंस कर सकते हो और भी बहुत सारे कुछ कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर योर टाइम, लेट्स गो इनटू इट। अगर इसको बात कीजिए फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, फर्स्ट एप्लीकेशन में माइक्रो ड्रॉइड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर अपने हिसाब से आप रूटीन को क्रिएट कर पाओगे, एक्शन क्रिटिकल और भी आपको बहुत सारे आपको टूल किट आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि जाके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे एड मैनेज और यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ट्रिगर एक्शन कॉन्सेंट्रेट। तो ट्रिगर में जैसा कि आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन, तो कौन सा एप्लीकेशन जैसा कि नोटिफिकेशन और बैटरी पावर एंड बैटरी जैसा कि आपको खत्म हो जाती है तो वो आपको अलर्ट करेगा। और भी आपको कॉल SMS और भी बहुत सारे आपको कनेक्टिविटी जैसा कि यहाँ पे डेट एंड टाइम डिवाइस इवेंट्स। तो यहाँ पे आप इवेंट एक तरह से आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन के इवेंट क्रिएट कर पाओगे, जैसा कि नोटिफिकेशन से आपको अपडेट रखता रहे। और यहाँ पे आप रूटीन भी क्रिएट कर पाओगे, जैसा कि आपको जितने भी आपको मोबाइल के प्रोडक्टिविटी होते हैं तो वो उन्हें आप आई मीन इन्हेंस कर सकते हो। यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे सेक डिवाइस कर दिया ट्रिगर पे और यहाँ पे लास्ट ट्रिगर एड कॉन्सेंट्रेट कॉपी डिलीट, तो मैं हिसाब से अपने हिसाब से कर सकता हूँ सर कि इस एप्लीकेशन को। तो आपको पता लग जाएगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करनी, जैसा कि इस एप्लीकेशन को आपको से ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है मैक्रोस है, जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ फाइल से कुछ इमेजेस वीडियोस को ले सकता हूँ और यहाँ पे आई मीन पोस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है वो आपको एक्सेस कर पाओगे, जैसा कि आपके मैक्रो टूल क्रिएट में यहाँ पे आप सेव कर पाओगे। तो इसमें जैसा कि आप यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर पाओगे, अपने हिसाब से रूटीन को क्रिएट कर पाओगे और भी कैसे सेटिंग है जिन्हें आप एक्सेस कर पाओगे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के। तो सेकंड एप्लीकेशन है कि नॉक लॉक एप्लीकेशन, जैसा कि आप यहाँ पे मैं स्क्रीन को लॉक कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं किसी भी टैप कर रहा हूँ तो जो मेरा स्क्रीन लॉक है वो आई मीन लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसा ही मैंने यहाँ पे इधर से आई मीन 4 स्क्वायर पे जैसे टैप किया फिर वो अनलॉक हो गया। जैसा कि आप ये सेटिंग कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे पी सेटिंग को कैसे अपने डिवाइस में एक्सेस कर पाओगे, जैसा कि मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको इनेबल स्क्रीन लॉक पे टैप करना, फिर आपको कुछ परमिशन का लॉक कर देना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज योर पिन, तो आपको ABCD का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको आई मीन अपने डिवाइस के आई मीन चारों भाग में आपको यहाँ पे जो है आपको टैप कर देना, फिर आपको नंबर पे भी टैप कर देना, तो कितना टैप कर देना आपका जो है पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। और तो और आप यहाँ पे चाहो तो अपने इसको आई मीन एडजस्ट भी कर सकते हो, इधर से उधर जो भी आप जहाँ पे भी रखना चाहो तो वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको चैट्स भी देखने मिलेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो। और यहाँ पे आपको चेंज वॉल पर आपको गैलरी या कैमरा साइड कहीं वॉल पेपर को सेट कर सकते हो, यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर। और यहाँ पे जाओ तो क्लॉक इसके भी आपको ढेर सारे देखने को मिल जाते हैं, ढेर सारे UI वाले आपको यहाँ पे अलग अलग आई मीन क्लॉक वाले, तो आप जाओ चाहो तो आपको वापस सेट कर सकते हो, जैसे कि एड देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद इसमें बहुत काफ़ी अच्छी सेटिंग देखने को मिल जाती है, चेंज सेवरी टैप और चेंज पासवर्ड या फिर नो क्लॉक पैटर्न लॉक और भी कई सारे देखने को मिलते हैं। चेंज पोजीशन भी चाहो तो पोजीशन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको वॉल पेपर चेंज करके मिलता है। और यहाँ पे फेक टेम्पलेट चाहो तो फेक टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ गाइस, बात की जाए नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, नेक्स्ट एप्लीकेशन हुआ फेस वॉश एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में बेसिकली आपको यहाँ पे ढेर सारे कई सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे अभी मूवीज़ को वॉच करोगे या बेबी अभी किसी भी मूवीज़ को वॉच करोगे या किसी भी वीडियोज़ को वॉच करोगे और भी कई सारे एप्लीकेशन को यूज़ करोगे। यूज़ करते वक्त जैसा कि आप अपने स्मार्टफोन पर से फेस को हटा लेते होती है, जो स्मार्टफोन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, जैसा कि आप अपने फेस पर फेस से धरोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल का और काफ़ी कम MB का ऐप है, तो आपको जरूर से ट्राई करनी चाहिए। अगर इसको बात की जाए नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है व्हाट्सअप मल्टी मैसेजर। तो इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज़ करके किसी भी अदर स्मार्टफोन वाली व्हाट्सअप को इस स्मार्टफोन में जैसा कि आपको ट्रैक कर पाओगे, जैसा कि आपको यहाँ पे सिंपली से टैप करना पड़ेगा, सिंपली से आपको यहाँ पे 2-3 मिनट वेट करनी पड़ेगी। वेट करने वाली यहाँ पे आपको क्यू आर कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्यू आर कोड का ऑप्शन जैसे मिलते हैं आपको यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने वाली यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा इस एप्लीकेशन को। जैसा कि आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आप दो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपको दोनों में चाहो तो दोनों में भी कर सकते हो, दोनों में भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर किसी भी व्हाट्सएप के यूज़ करना चाहते हो तो। और यहाँ पे आपको आई मीन स्टेटस सेवर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेटस सेवर को जैसा कि आप यहाँ पे इन दोनों एप्लीकेशन को जैसा कि डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली भी आई मीन डाउनलोड हो जाता है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको व्हाट्सएप उस वाले व्हाट्सएप में जैसे कि स्टेटस को वॉच करनी है, स्टेटस जैसे आप वॉच करोगे तो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप एक्सेस। और तो चाहो तो आप स्टेटस को शेयर भी कर सकते हो।
गाइस तो बात की जाए लास्ट और आखिरी एप्लीकेशन के बारे में, वो जो एप्लीकेशन है वो है शॉर्टी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज़ करके किसी को भी पिन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर में किसी भी वीडियोस को पिन करना चाहूँगा, तो यहाँ पे वीडियो को शेयर करूँगा, वीडियो को होल्ड करूँगा, फिर यहाँ पे शेयर पर टैप करके यहाँ पे शॉर्टी एप्लीकेशन पर शेयर कर दूँगा। शेयर पर जैसे कि आप यहाँ पे शेयर तो शॉर्टी पर टैप करोगे, यहाँ पे आपको टैग ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे टैग पर कुछ भी लिख देना, जैसे कि यहाँ पे अपने में जैसे कि HD लिख देते हो, HD लिख देंगे। यहाँ पे आपको आइकन स्टाइल चाहो तो चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे आइकन बैकग्राउंड कलर चाहिए तो वो भी चेंज कर सकते हो। फिर आपको राइट पर टैप कर देना, राइट पर जैसे टैप यहाँ पे आ सके क्या कोई आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे उस वीडियो को या मूवी को वॉच करवाओगे। इसी एप्लीकेशन पर आप यूज़ कर सकते हो, जाकर खुद की फेवरेट मूवी होती है जैसे कि आपको फाइल में जानी पड़ती है, तो आप यहाँ से पिन कर सकते हो डायरेक्टली वॉच करने के, या किसी भी मूवीज या किसी भी सॉन्ग को वॉच करने के लिए आप चाहो तो फाइल में जैसे कि नहीं, यहाँ पे व्हाट्सएप के किसी भी कॉन्टैक्ट को या फेसबुक के किसी वीडियोज और मूवीज फोटोज को, और यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोज को किसी भी नोटिफिकेशन को यहाँ पे कर सकते हो, और पिंटरेस्ट के वॉलपेपर को, और क्रोम के डॉक्यूमेंट को, और वीडियोज को, और इंस्टाग्राम के किसी भी पोस्ट को या किसी भी इमेजेस को यहाँ पे पिन कर सकते हो। यहाँ पे ट्विटर का भी और भी कई सारे एप्लीकेशन के जैसे विंग म्यूजिक प्ले स्टोर पे जैसे MX प्लेयर का आपको ढेर सारे कई सारे स्मार्टफोन ऐप होते हैं, तो उन्हें भी कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। We'll be right back.